नमस्कार, बहुत स्वागत आपके साथ, मैं हूं ललित प्रजापति। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अपना एमपी केस बुलेटिन में, मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हम हड़ताल की खबर के साथ। हड़ताल से हाहाकार मचा हुआ है पूरे ही मध्य प्रदेश में। पेट्रोल डीजल की किल्लत भी होने लगी है, पेट्रोल पंपों पर लगी लंबी लंबी कतारें हमें नजर आ रही है। इतना ही नहीं, ना सिर्फ पेट्रोल बल्कि सब्जियों के दाम बढ़ गए हैं, यात्रियों को भी खासी परेशानी हो रही है। दरअसल नए हिट एंड रन कानून को लेकर ये विरोध है। कानून में 10 साल की जेल है, 7 लाख तक का जुर्माना है। ड्राइवर्स की हड़ताल के बाद किस तरह की स्थितियां, वो तस्वीरों में आप देख रहे हैं। पेट्रोल की सप्लाई, सब्जी की सप्लाई, सारी चीजें बाधित, और इसके चलते आम लोगों की दिक्कतें यहां बढ़ने लगी हैं। वहीं पेट्रोल पंप पर लंबी लंबी कतारें, तो कहीं पर सन्नाटा, क्योंकि सन्नाटा इस वजह से बोर्ड लगा दिए गए हैं, पेट्रोल खत्म हो चुका है। और कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में अगर ऐसी ही स्थिति बनी रही, हड़ताल जारी रही, तो शायद हर जगह ऐसी स्थिति देखने को मिलेगी, और कहीं ना कहीं रोजमर्रा की जो चीजें हैं वो भी लोगों को नहीं मिल पाएंगी। प्रभावित सीधे तौर पर आम जन होगा, यात्रियों को अलग परेशानी होगी। और इस सारी दिक्कत की वजह है हिट एंड रन को लेकर जो नया कानून बना है, उसका ड्राइवर्स विरोध कर रहे हैं। हड़ताल दूसरे दिन भी जारी है, अलग अलग जगहों की तस्वीरें। देखिए हड़ताल से कितना हाहाकार मचा है, इन तस्वीरों को देखकर समझा जा सकता है। पहली तस्वीर जबलपुर की आपको दिखा रहे हैं, भीड़ भड़ाका बस के आगे लोग खड़े हैं। दूसरी तस्वीर रतलाम की, यहां पर भी बड़ी संख्या में ड्राइवर इकट्ठा हुए हैं। मंदसौर में भी तस्वीर ऐसी, भोपाल में भी बड़ी संख्या में ड्राइवर इकट्ठा हुए, और साथ ही साथ पेट्रोल पंप की तस्वीर आप देख रहे हैं कि किस तरह से लोग यहां पर कतारों में लगे नजर आ रहे हैं। उन्हें भी लग रहा है कि शायद आने वाले दिनों में परेशानी होगी, इसलिए पेट्रोल पंप पर पहुंच रहे हैं। खंडवा की तस्वीर, खरगोन की तस्वीर, अलग अलग जगह की तस्वीर, जहां पर साफ तौर से हड़ताल का असर देखा जा रहा है। तो वहीं बुरहानपुर में हमने ड्राइवरों की मनमानी भी देखी। महाराष्ट्र से आ रहे ऑटो चालकों के साथ बदसलूकी इनके द्वारा की गई। ऑटो चालकों को जूतों की माला पहनाई गई है, ऑटो के टायर पंक्चर किए जा रहे हैं। बीच सड़क पर यात्रियों को उतारा जा रहा है। सबसे पहले न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर की आप तस्वीरें देख रहे हैं। तो ये तस्वीरें हड़ताल से हाहाकार की स्थितियां, और अब धीरे धीरे स्थितियां खराब हो रही हैं। सबसे पहले न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर आप ये तस्वीरें देख रहे हैं ड्राइवर्स की मनमानी की। कई जगह पर ये ड्राइवर्स कई सारी गाड़ियों को रोक रहे हैं। देखिए ये गाड़ी किसी की पंचर करते हुए नजर आ रहे हैं, कहीं पर किसी को रोकते हुए नजर आ रहे हैं। ये नहीं चाहते कि ये लोग भी काम चालू रखें, ये भी ये चाहते हैं कि इनका सपोर्ट जो है ये सभी करें और साथ मिलकर इकट्ठा खड़े हों और इस कानून का विरोध करें। तो कहीं पर विरोध है, कहीं पर नहीं है, पर बड़ी संख्या में विरोध की तस्वीरें तो लगातार देखने को मिल रही हैं। हड़ताल जिस तरह से ये जो प्रदर्शन है उग्र होता जा रहा है, अगर शायद इस पर संज्ञान नहीं लिया गया तो ये बहुत बड़ा हो सकता है, कई सारी परेशानियां पैदा कर सकता है। और ऐसी स्थिति भी कई बार बन जाती है कि शायद शुरुआत में स्थिति को नियंत्रण में नहीं किया जाता, यहाँ पर रोका नहीं जाता, तो वो चीजें कहीं ना कहीं भ्याव भी हो जाती है। लड़ाई झगड़े, मारपीट, ये भी तस्वीरें हम कई बार देखते हैं। अभी तो शुरुआत है, दूसरा दिन ही है, अभी मनमानी तो की जा रही है। हालांकि देखने वाली बात होगी कि इस पर संज्ञान लेकर किस तरह से रिएक्शन जो है अब सरकार करती है या कुछ बदलाव इसमें करती है, ये देखने वाली बात होगी। सबके लिए है वो, हमारा ये मानना है कि जैसे आमतौर पर गाड़ियां खड़ी है, हमारे को आम जनता से कोई लेना देना नहीं है। हम जो निवेदन कर रहे हैं हमारे ड्राइवर भाई से कर रहे हैं। क्या है कि आने वाले वक्तों के अंदर जो कानून लागू है वो आने वाले वक्त में ड्रॉवर नहीं मिलने के किसी को। अगर ये कानून लागू हो गया, हम सबसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहे हैं कि सर्व सम्मान के साथ में हमारे को सहयोग करे, हमारे साथ में रहे और हमारे को कोऑपरेट करे, बस इससे ज्यादा कोई हमारा कहना नहीं है। इसमें जूते चप्पल के हार भी पहना रहे आप लोग? नहीं, ये इस वजह से पहना रहे कि जो ड्रॉवर हमारी नहीं सुन रहे हम उसी को कोऑपरेट कर रहे हैं, ड्रॉवर को। बाकी आम जनता मानस को कोई तकलीफ नहीं दे रहे किसी को, सिर्फ हमारा ड्रॉवर से कहना है, और वो नहीं मानेगा तो हम उसको जूते चप्पल का हार से सम्मान करेंगे। तू भाई
और ड्राइवर्स की हड़ताल के चलते भोपाल के लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पेट्रोल पंप पर गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं और पेट्रोल की डिमांड बढ़ चुकी है, उतना पेट्रोल नहीं मिल पा रहा है जितना लोगों को चाहिए और आने वाले समय में पेट्रोल डीजल की किल्लत और ज्यादा हो सकती है। हड़ताल का असर साफ तौर से हर कहीं दिख रहा है, चाहे वो फल की बात करें, दूध की बात करें, सब्जियों की बात करें, राशन की बात करें, इन सब पर यह असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो धीरे धीरे सप्लाई पर असर और लोगों की परेशानियां बढ़ती हुई। हड़ताल के चलते अब जो हालात हैं वो चिंताजनक होने लगे हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि आम लोग इससे सीधे तौर पर परेशान हो रहे हैं और प्रभावित हो रहे हैं। राजधानी भोपाल के पेट्रोल पंप का सूरत हाल यह है कि पेट्रोल पंप का जो कैंपस है, जो परिसर है, वो तो पूरी तरह से फुल हो ही गया है और पेट्रोल पंप के बाहर तक जो वाहनों में पेट्रोल डीजल डलवाने वाले लोग हैं उनकी कतारें लगी हुई यहां पर नजर आ रही है। लोगों को आशंका है कि ट्रांसपोर्टेशन जिस तरह से बंद है, पेट्रोल डीजल कि अगर टैंकर्स नहीं पहुंच पाएंगे तो इन लोगों को पेट्रोल नहीं मिलेगा और इनका सीधे तौर पर जो कामकाज है वो प्रभावित होने लगेगा। तो अब लोग भी यहां पर परेशान हो रहे हैं क्योंकि जो ड्राइवर्स हैं उनकी हड़ताल लगातार जारी है। आप लोगों को परेशानी हो रही है भैया? बहुत परेशानी हो रही है, मोदी जी को अपना फैसला बदलना चाहिए। कितनी देर से आप लोग खड़े हैं लाइन में? हम लोग को आधा घंटा हो गया। बड़ी मुश्किल से मिल पा रहे हैं जी। अच्छा, क्या लगता है सर कि इस तरह के हालात बने रहे तो पेट्रोल डीजल की दिक्कत हो जाएगी? दिक्कत हो जाएगी बिल्कुल, दो दो घंटे लाइन में लग रहे हैं इतनी देर से। हाँ, तो देखिए लोग जो हैं वो इसलिए परेशान हो रहे हैं क्योंकि लंबी कतारों में, लंबी लाइनों में उन्हें खड़ा होना पड़ रहा है और अगर ट्रांसपोर्टेशन और जो ड्राइवर्स हैं उनकी हड़ताल इसी तरह से जारी रहती है तो इन लोगों के लिए और भी ज्यादा जो मुसीबत है वो कहीं ना कहीं बढ़ सकती है, क्योंकि फल, दूध, सब्जी जैसी जो महत्वपूर्ण सप्लाई है वो भी इन्हीं सब चीजों पर निर्भर करती है और अगर वो प्रभावित हुई तो पहले तो जो पेट्रोल जो दाम है सब्जियों के, फलों के, वो भी बढ़ने का एक कहीं ना कहीं जो एक खतरा है वो बना हुआ है, जिससे लोग महंगाई से भी कहीं ना कहीं प्रभावित हो सकते हैं और जो पेट्रोल डीजल भरने वाले जो कर्मचारी हैं उनसे मैं जानने की कोशिश करूंगा। पेट्रोल अभी आपके पास है पर्याप्त मात्रा में भैया? अभी तो फिलहाल में है। टैंकर्स वगैरह पहुंचे हैं समय पे कल? टैंकर आ रहे हैं, अभी भी एक टैंकर निकल चुका है, एक टैंकर अभी खाली हो चुका है। हाँ, तो पर्याप्त माल चल रहा है धीरे धीरे जी। आगे तो क्या होगा, लेकिन अगर ये लंबी चल गई हड़ताल तो दिक्कत हो जाएगी? हाँ, जब तो दिक्कत आ जाएगी थोड़ा, क्योंकि माल ऊपर से उतना ज्यादा भी नहीं आ रहा जितना हम लोग को चाहिए, कम ही समस्या में आ रहा है। जितने आप डिमांड कर रहे हो उतना माल नहीं आ रहा है? उतना नहीं अभी आ पा रहा। देखिए जितनी डिमांड है पेट्रोल पंप की उतना माल अभी नहीं आ पा रहा है और यही परेशानी का कारण है। अगर ये हड़ताल लंबी चलती है तो पेट्रोल डीजल की जो सप्लाई है उस पर भी सीधे तौर पर असर देखने को मिलेगा और यही वजह है कि ये जो लंबी कतार है लोगों की वो यहाँ पर नजर आ रही है। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष सिंगर के साथ न्यूज 18 के लिए भोपाल से वासु चौरे। और टीकमगढ़ में भी कुछ ऐसी स्थिति हमें देखने को मिल रही है, ड्राइवर्स की हड़ताल से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ भी पेट्रोल पंप पर लंबी लंबी कतारें लग चुकी हैं, पेट्रोल डीजल की अब धीरे धीरे किल्लत होने लगी है। परेशान है, जिन वाला नया कानून जो स्टार्ट किया है उसकी वजह से हड़ताल चल रही है, ड्राइवर आ नहीं रहे, ट्रक चल रही है, पेट्रोल पंप पे ये भीड़ लगी हुई है। तो क्या पेट्रोल के लिए क्यों इतना भीड़ लगाए हैं आप लोग, क्या सोच के लगाए हैं? कहना ये है कि पेट्रोल है नहीं, एक्चुअल में ट्रक ड्राइवर की हड़ताल है। रतलाम में भी हिट एंड रन कानून का विरोध जारी है, पेट्रोल डीजल की किल्लत बढ़ती जा रही है और इसी पर लोग पेट्रोल पंपों पर भीड़ भी लगा रहे हैं। इस अफवाह की वजह से इस दौरान विवाद भी सामने आ रहे हैं, हालांकि अफवाह है ये बात जो है अधिकारी कह रहे हैं। ड्राइवर्स की हड़ताल और कहीं ना कहीं ये स्थिति पैदा होती है जहां पर पेट्रोल पंप पर भारी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और रिफ्यूल करवा रहे हैं। रतलाम में भी कमोबेश यही हालात है, आप खुद देख सकते हैं कि रतलाम में इस पेट्रोल पंप जो है वहाँ पर लंबी लंबी कतारें सुबह से ही नज़र आ रही है और यहाँ पे छोटे मोटे विवाद भी नज़र आ रहे हैं लाइन में लगने के लिए। दो दो घंटे तक के लाइन में लगकर लोग पेट्रोल भरा के यहाँ पे इंतज़ार कर रहे हैं और आप खुद देख सकते हैं पीछे तक के, देखिए आप पीछे तक के कितनी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं। तो घंटों इंतज़ार करना पड़ रहा है रतलाम में और मैं आपको इधर भीड़ का नज़ारा दिखाता हूँ, जैसे कि लंबी वेटिंग यहाँ पर चल रही है और दो दो तीन तीन घंटे तक के लोगों को अपनी बारी का इंतज़ार करना पड़ रहा है। और ये देखिए जैसे मेला लगा हुआ और यहाँ फ्री में पेट्रोल बट रहा है, ऐसा नज़ारा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो आप समझ सकते हैं क्योंकि आपूर्ति पर्याप्त है, कल रतलाम कलेक्टर और एसपी ने साफ तौर पे कहा है कि पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति
समुचित है, लेकिन जिस तरह से लोगों में इस बात को लेकर हड़बड़ाहट है, खलबली है कि कहीं स्टॉक खत्म ना हो जाए, तो आपको देखिए कि हॉर्न बजा बजा कर यहाँ पे जो है कहीं ना कहीं नाराजगी भी है, घंटों इनको इंतजार करना पड़ रहा है। तो हिट एंड रन ये जो नया कानून आया उसका ये इम्पैक्ट रतलाम शहर में भी देखने को मिल रहा है। रीजन न्यूज 18 रतलाम। इधर मंदसौर में ड्राइवर्स की हड़ताल के चलते कृषि उपज मंडी में सन्नाटा पसरा हुआ है और गाड़ी नहीं चलने के कारण किसान उपज लेकर नहीं आ पाए हैं। हड़ताल का असर पेट्रोल पंप पर भी देखा गया। पंप मालिकों ने पेट्रोल डीजल नहीं होने के कारण पेट्रोल पंप बंद कर दिया, जिसके चलते लोग परेशान होते नजर आए। मंडी में भी सन्नाटा पसरा हुआ दिखाई दे रहा है। ये तस्वीर आपके सामने है। पेट्रोल पंप भी बंद है क्योंकि पेट्रोल डीजल अब बचा नहीं है कई पंपों पर, तो खोलकर भी क्या किया जाएगा। तो वही है, चस्पा कर दिए गए नोटिस। तस्वीरें आपके सामने। केंद्र सरकार द्वारा व्हीकल एक्ट में प्रावधान के चलते ड्राइवर लोग हड़ताल पर चले गए हैं और उस हड़ताल का असर सभी जगह देखने को मिल रहा है। जहां बाजार में कमर्शियल वाहन नहीं चल पा रहे हैं, वहीं उसके कारण कृषि उपज मंडी में भी इसका प्रभाव पड़ा है। आमतौर पर कृषि उपज मंडी जो है मंदसौर की, वो किसानों और कृषि उपज से भरी रहती है, लेकिन आज यहाँ पर सन्नाटा छाया हुआ है और उसके पीछे जो कारण है वो ड्राइवरों की हड़ताल है। हमारे साथ कुछ व्यापारी यहाँ पर मौजूद है। सन्नाटा पसरा है पूरी मंडी में, आप फ्री खड़े हैं जबकि यहाँ पर रश रहता है इतना। बस ये साधन की ब्रेक लग गया, हड़ताल लगा, मसालों ने, मोटर वालों ने, छोटे वाहन वालों ने भी हड़ताल कर दी बहुत सी जगह। तो माल तो आता तो वाहनों से ही है मंडी में, तो क्योंकि बैलगाड़ी चलती तो वो अलग थी। अभी तो वाहनों से माल आता, वाहन सब जगह बंद है, बिल्कुल रोड भी सुनसान लग रहा है, पूरी मंडी सुनसान टाइप है। जैसे दो दिन पहले अच्छा माल आ रहा था, दो दिन हड़ताल के कारण से जो है माल बहुत ही कम है, मतलब ना के बराबर मंडी माल है, मंडी में ना के बराबर माल आ रहा है। कितनी आवक रहती थी यहाँ पर बताइए? लहसुन यहाँ पर आती थी, सोयाबीन आती थी और अन्य जिनसे भी आती थी, एवरेज कितना माल आ रहा था? टोटल लहसुन की देखो आप तो करो 5 से 8 हज़ार वो लहसुन आ रही थी, प्याज करो 8 से 10 हज़ार प्याज आ रहे थे, 2 से 2.5 हज़ार सोयाबीन आ रही थी। कुल मिला के जींस कच्ची आवक थी, कुल मिला के जींस हड़ताल कारण आवक नहीं के बराबर हो गई। काफी जो मंडी में जो रौनक थी वो एक तरह से खत्म हो चुकी है। अभी मंडी में रौनक खत्म है और व्यापारी यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं किसानों का और कृषि उपज का, कि किसान कृषि उपज यहाँ से लेके आएंगे तो यहाँ पर व्यापार होगा, व्यापारी माल खरीदेंगे और आगे भी भेजेंगे। लेकिन फिलहाल अभी हड़ताल खत्म होने की संभावना कम लग रही है, इसके चलते मंडी में अभी यहाँ पर तेजी नहीं है। व्यापारी फ्री बैठे हैं, हमाल फ्री बैठे हैं और पूरी तरह से मंडी का कारोबार ठप पड़ा हुआ है। नरेंद्र धनोतिया, न्यूज 18 मंदसौर। हरदा की तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। यहाँ पर भी ड्राइवर्स की हड़ताल की वजह से कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है और कई पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल खत्म हो चुका है। बाकायदा बोर्ड लगा दिए गए हैं कि पेट्रोल खत्म हो चुका है। हड़ताल के चलते पेट्रोल पंप की सप्लाई पर सबसे बड़ा असर, और पेट्रोल की सप्लाई पर अगर असर पड़ेगा तो सीधा आपके जीवन को प्रभावित करेगा। और अब धीरे धीरे इसे लेकर रिएक्शन भी आने लगे हैं। हड़ताल को लेकर परिवहन मंत्री ने बड़ा बयान दिया है, राव उदय प्रताप ने। तो सीएम के साथ हड़ताल को लेकर बातचीत हुई है, उन्होंने कहा कि ड्राइवर्स को चिंता करने की जरूरत नहीं है, बातचीत का रास्ता हमेशा खुला है, हड़ताल करना ठीक नहीं। मंत्री जी कह रहे हैं कि हड़ताल करना ठीक नहीं है, बातचीत का रास्ता खुला हुआ है और साथ ही साथ सीएम साहब से भी बातचीत हुई है, इस पर चर्चा हुई है। मंत्री ये भी गिना रहे हैं कि लोगों को परेशानी हो रही है, सरकार की नजर लगातार बनी हुई है। ड्राइवर्स की हड़ताल के चलते अब आम लोगों की परेशानियां थोड़ी सी बढ़ गई हैं, लेकिन सरकार की प्रशासन की कोशिश है कि सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल सके। मध्यप्रदेश के परिवहन मंत्री राव उदय प्रताप सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, कुछ बातचीत और क्या अपील ड्राइवर्स से प्रशासन ने, सरकार ने अब तक की है और इस समस्या का हल निकालने की दिशा में कोई कदम? इस सरकार पूरी संजीदगी से पूरी व्यवस्था पर नजर रखे है। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं इस बात की चिंता कर रहे हैं, कल शाम को मैं भी उनके साथ बात करी हम लोगों ने, और मैं तो आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं कि ड्राइवर्स को चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस देश में हमारी न्यायपालिका बहुत सक्षम है, वो तो कानून का बनना अपराध तय करना नहीं है,
दुर्घटना अगर दुर्भाग्य से दुर्घटना होती है तो आप फर्स्ट इन्फॉर्मर बनिए। आप अगर किसी तरह की कोई समस्या है, आज हिट एंड रन में 10 बरस का कारावास है, ये जुर्माना है भाई। अगर दुर्भाग्य से कोई दुर्घटना होती है, आप सूचना देते हैं तो आप उसके दोषी हैं नहीं, क्योंकि आप सड़क के ऊपर चलने में कभी भी दुर्घटना का अंदेशा हर व्यक्ति के साथ बना रहता है। बातचीत का रास्ता हमेशा खुला रहता है। चक्का जाम करना, लोगों के रोजमर्रा के जीवन को प्रभावित करना, लोग हॉस्पिटल ना पहुंच पाए, पेशेंट्स हॉस्पिटल ना पहुंच पाए, ये बड़ी चिंता का विषय सरकार का भी है और नागरिक के नाते, जनप्रतिनिधि नाते मेरा भी है। मैं भाई यही उनसे अनुरोध करूंगा कि ये इन चीजों को वापस लेना चाहिए और बातचीत का रास्ता हमेशा खुला रहता है। उससे बेहतर परिणाम पहले भी आए हैं, मुझे लगता है इस बार भी ऐसी कोई संभावना खत्म नहीं हुई। जनमानस को बड़े भरोसे के साथ उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मोहन यादव जी पूरी संवेदनशीलता के साथ पूरे प्रदेश में नजर रखे हुए हैं और आम जन की चीजें उपलब्ध रहें, आसानी से उपलब्ध रहें, इस बात की चिंता भी कर रहे हैं। पेट्रोलियम प्रोडक्ट हमारे समय पहुंचे और स्कूल्स में हमारा शिक्षा व्यवस्था प्रभावित ना हो और डीजल पेट्रोल की आपूर्ति निर्बाध रूप से चलती रहे, इस बात की सरकार चिंता कर रही है। परिवहन की बात हो या स्कूल शिक्षा की, मंत्री उदय प्रताप सिंह हमारे साथ थे और उन्होंने कहा कि सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चलती रहेंगी और लगातार प्रशासन शासन बातचीत कर रहा है और हल जल्द ही समस्या का निकाल लिया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष सिंगर के साथ न्यूज 18 के लिए भोपाल से वासु चौरे। और चलिए